माफिया अतिक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार देर रात पुलिस दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान मीडिया कर्मी बनकर आए तीन हमलावरों ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए दोनों को गोली मार दी। घटना के बाद देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग करते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए और शासन से एहतियात के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी है। प्रयागराज में शनिवार रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मेडिकल टेस्ट के लिए दोनों को अस्पताल लेकर जा रही थी। इसी दौरान मीडिया कर्मी बनकर आए तीन हमलावरों ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अतीक की कनपट्टी पर जबकि अशरफ के सीने में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर रविंद्र शर्मा ने बताया कि अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में तीन लोगों को पकड़ा गया है। हमले में एक पत्रकार और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटनास्थल से सैंपलिंग की गई है। वहीं प्रयागराज की घटना को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग पत्रकार साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इस मसले पर देर रात मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन करते हुए 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। इनको पहली नज़र में हत्या के लिए दोषी पाया गया क्योंकि मौके पर रहते हुए ये हत्यारों को रोक नहीं पाए। वहीं सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहना चाहिए, आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा जाए, कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें तीन लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। क्या हो रहा है? इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एकदम भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मानसिंह हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके नीचे से क्रॉस की है। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। अतीक की हत्या के मामले पर राजनीतिक दलों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है, ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। वहीं मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उमेश पाल हत्याकांड की तरह ही अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज में पुलिस हिरासत में खुलेआम गोली मारकर हत्या हुई, यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। देश भर में चर्चित इस अति गंभीर और अति चिंतनीय घटना का सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर होगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज की बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित है सोचने की बात है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को इस मामले का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कल जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, अगर उनमें संवैधानिक नैतिकता जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। मैं शुरू से कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार कानून के मुताबिक नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।